जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है यार आप सारे के सारे बिल्कुल ठीक होंगे। तो बेसिकली मैंने वीडियो जो है ये बनानी नहीं थी रिगार्डिंग दिस टॉपिक, लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा सारे मुझे बच्चों ने फोर्स किया, सवाल पूछे कि जी हमें बताएं कि ये ऑन गोइंग करंट सिचुएशन क्या चल रही है, पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी। तो मैंने कहा चले मैं आप लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता देता हूँ। और सबसे पहले मैं ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगा, मैं हूँ या कोई भी और शख्स हो जो कि YouTube पे है, सोशल मीडिया पे है, जहां पे भी है, पीएमसी रहता है या पीएमडीसी रहता है, हमारा फ्यूचर क्या है, आगे एमडी कैट होना है या नहीं होना, किसी शख्स को कुछ भी नहीं पता फिलहाल। ऐवे ही जो है ना, हम व्यूज लेने के लिए वीडियोस बना दें कि जो डियर स्टूडेंट्स आज हम आपको ये बताएंगे, आज हम आपको वो बताएंगे, जो चीज भी फाइनल होगी वो ऑफिशियल पेज के ऊपर आ जाएगी। जो भी गवर्नमेंट का फैसला होगा, जो भी अदालत का फैसला होगा, वो चीज जब ऑफिशियल होके फाइनल हो जाएगी कि एमडी कैट क्या होना है, कैसा सिलेबस होना है और इसके अंदर ऑनलाइन होगा या रिटन फॉर्म में होगा, वो चीज हमारे सामने तब आएगी जब ये चीजें सेटल डाउन होंगी। अभी ये हो रहा है कि चीजें प्रोसेस के अंदर हैं और लोग इस चीज को कैश करने के लिए, जो एमडी कैट और जो एफएससी के स्टूडेंट को अपने पेपर पे तैयारी करनी चाहिए, उसको ये होना चाहिए कि मैंने बुक कौन सी पढ़नी है, कौन सा टॉपर, अगर मैंने टॉपर को फॉलो करना है तो अगर वो मेडिकल कॉलेज में गया है तो मैंने कैसे मेडिकल कॉलेज में जाना है, उसने कौन सी टिप्स फॉलो की है। हमारा ध्यान इन चीजों से हटके, मेरे जो कमेंट सेक्शन में सवाल ऐसे आ रहे हैं जो देख के मुझे दुख होता है, भाई पीएमसी डिसॉल्व होगा या नहीं होगा, भाई पीएमडीसी वापस आ रहा है, भाई एमडी कैट होगा, पहले नंबर पे ये है, जो कुछ भी होगा जब वो फाइनल होगा तो आपको बता दिया जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि मैं हूं या कोई और शख्स भी हो, उसको इस वक्त कैसे पता चल सकता है कि भाई पीएमसी डिसॉल्व हो रहा है या नहीं। मिसाल के तौर पे कल एक खबर आई कि जी गवर्नमेंट नहीं आई है, उसने कहा है कि पीएमसी के लोग इलीगल हैं, अरशद तकी साहब और वो सारे के सारे, हम उनको निकाल रहे हैं। सारे लोग शुरू हो गए जनाब यूट्यूब पे हर जगह पे कि जी जनाब पीएमसी खत्म हो गया, पीएमसी खत्म हो गया, अब ये हो जाएगा, अब वो हो जाएगा। आज पीएमसी वालों के पेज के ऊपर एक खबर आ गई है कि जी हमने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से जाके पीएमसी को बहाल करा दिया। तो आज फिर सारे लोग इस तरफ वीडियोस बनाने लग गए हैं, कल कुछ और हो जाएगा तो कल सारे के सारे ये वीडियो बनाने लग जाएंगे। तो यार अगर आप लोग मेरे से ये एक्सपेक्ट करते हो कि मैं इस तरह की चीजें करूं तो भाई मेरा चैनल इस काम के लिए नहीं है। आप लोग अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं, मैंने आपको वो काम करना जो आप लोगों के हक में बेहतर हो। अगर आप लोग मुझे इन चीजों पे व्यूज दे रहे हो और अगर मैं आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के बैठा रहूं कि जी कल मैं वीडियो बना दूं कि पीएमसी खत्म हो गया, आज मैं वीडियो बनाऊंगी जी पीएमसी को इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बहाल कर दिया, कल फिर कोई और खबर आएगी तो मैं उस पर वीडियो बना दूं, टाइम आप लोगों का वेस्ट होगा। आप लोगों के पास एमडी कैट की जो डेट आई है, 15 अगस्त से एमडी कैट स्टार्ट हो रहा है, जुलाई में सेकंड ईयर के पेपर खत्म होने हैं, टाइम है बहुत कम, तैयारी पे हम लोगों ने फोकस नहीं करना। मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे चैनल पे ऐसे लोग कैसे आ गए जिनका माइंडसेट ये है कि मैं अनमोल कमर जो कि लास्ट ईयर की एमडी कैट की टॉपर है उसकी वीडियो में डाल रहा हूं, उसके नीचे लोग पूछ रहे हैं भाई पीएमसी डिसॉल्व होगा कि नहीं होगा। यार हम लोग ये क्यों नहीं सोचते हैं कि टॉपर ने कैसे पढ़ा, हमने उसके पीछे लग के हमने केई में कैसे आना है, उसने कौन सी एक्स्ट्रा टिप्स फॉलो की हैं, हमने किस तरह से सिलेबस को कंप्लीट करना, कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, उसके एक्सपीरियंस से हम लोगों को क्या फायदा होगा, ये हम लोगों ने नहीं सोचना। हम लोगों ने उसके नीचे जो गॉसिप्स हैं, जो के जो र्यूमर्स हैं, जो के अरशद तकी का क्या हो रहा है, अली रजा किधर जा रहा है, पीएमसी कहाँ जा रहा है, एनएलई का क्या बनेगा, एमडी कैट का क्या बनेगा, हम लोगों का ध्यान इन चीजों पे है। तो यार ऐसे दाखिले नहीं होते, ऐसे लोगों के पीछे लग के मैं नहीं समझता कि दाखिले हो सकते हैं। तो मेरी एडवाइस अगर आप लोग मानना चाहो तो मान सकते हो भाई, मेरी कोशिश और मेरा जो चैनल है, मेरे चैनल पे मेरी इंटेंशन सिंपल क्लियर है कि मैं टॉपर्स जो हैं, आयशा अमन, अनमोल कमर एंड ऑल दोज पीपल जिनका केई में दाखला हुआ है, और मैं खुद भी जो कि कैमकोलियन हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इन सब लोगों का एक्सपीरियंस आपके सामने लेके आऊं ताकि आप लोगों को ये पता चले कि ना इन लोगों के सर पे कोई सींग लगे हैं। ठीक है, आयशा अमन ने भी वहीं से तैयारी की है, अनमोल कमर ने भी वहीं से की है, तो अगर वो लोग आ सकते हैं भाई केई के अंदर तो आप लोग भी आ सकते हैं। मेरा फोकस ये होता है, मैं ये जो चटपटी सियासी खबरें हैं कि जी गवर्नमेंट चेंज हो गई, पीएमडीसी आ जाएगा वापस, तो पीएमडीसी आएगा तो एमडी कैट का क्या बनेगा, फिर पीएमसी इस्लामाबाद चला गया तो अरशद तकी जा रहा है या अरशद तकी रह रहा है या क्या होगा, भाई फिलहाल अभी करंट सिचुएशन ये है कि एमडी कैट होना है, डेट डिसाइड हो चुकी है 15 अगस्त। आप लोग उस चीज की तैयारी क्यों नहीं कर रहे,
आप लोगों को क्यों इस चीज इन चटपटी खबरों के अंदर क्यों मजा आता है सुनने का कि जी क्या होना है। मेरे जमाने में मुझे याद है 3.5 महीने का टाइम था मेरे पास एमडी कैट का, लेकिन मैंने आज तक कभी फोकस नहीं किया कि जी दुनिया न्यूज पे खबर चल रही कि जी एमडी कैट खत्म हो जाएगा, शहबाज शरीफ इसके खिलाफ हो गया। आज से 5 साल पुरानी बात कर रहा हूं, मैंने कभी बॉदर नहीं किया, मैंने अपनी तैयारी पर फोकस किया है। फोकस्ड रहोगे तो भाई दिन किसी जगह पर आपका दाखिला होगा। मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं टॉपर की इंटरव्यू जब लेके आ रहा हूं तो आप लोग बजाय कि उनसे क्वेश्चन करने के आपका को अगर आपको चीज नहीं समझ आई तो उस वीडियो के हवाले से उनसे क्वेश्चन करें ताकि मैं उस टॉपर से कहूं कि आपको जवाब दे। हम लोग ये पूछ रहे हैं पीएमसी डिसॉल्व होगा, पीएमडीसी वापस आएगा, पीएमसी वर्सेस पीएमडीसी में क्या फर्क है यार, हम लोगों को इससे क्या ताल्लुक है। हम लोगों ने एमडी कैट देना, हम लोगों ने तैयारी करी, हम लोग करें। हम लोगों को तो इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए, कौन उसका चेयरमैन बनता है, पीएमसी में क्या होगा, पीएमडीसी में क्या होगा, क्या इनका फ्यूचर होगा, इसका हमारे से क्या लेना देना। मेरा सवाल आप लोगों से सिर्फ और सिर्फ ये है। और जो लोग इस चीज से आप लोगों को कैश कर रहे हैं तो ठीक है यार, जिन लोगों ने कैश होना है आप लोग भी जरूर उनके चैनल पर जाकर देखें, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है मेरे से ये चीजें ना करें। आप लोग मेरे चैनल पे मेरी जितनी भी वीडियोस हैं आप लोग सारी की सारी उठा कर देख लें। मेरा एक सेकंड भी ये मकसद नहीं होता कि जो बच्चा मुझे फॉलो कर रहा है और जो बच्चा मेरे पीछे केई में या लामेकबाल में आना चाहता है मैं उसको एक सेकंड भी वेस्ट करूं। तो मैं क्यों उसको डीट्रैक करूं, मैं क्यों उसके लिए सियासी और र्यूमर्स और इस तरह की खबरों के ऊपर तस्करे पेश करूं। मुझे तो व्यूज मिल जाएंगे यार, मुझे तो क्लिक पड़ना है, मुझे तो यूट्यूब ने पैसे भी दे देने, लेकिन नुकसान आप लोगों का। खुदा का वास्ता यार, मेरी रिक्वेस्ट ये है कोई मेरे से बुक्स की बात पूछो, कोई मेरे से आयशा अमन के बारे में पूछो कि उसकी रूटीन क्या है, अभी उनकी और वीडियोस भी आयशा अमन की मैं लेके आ रहा हूं, मेरे से अनमोल कमर का पूछो। ये सारे के सारे कैमकोलियंस जितने भी आपको गाइड करने के लिए बैठे हैं, लेकिन ये सियासी खबरों पर तस्करे करने के लिए हम लोग यहाँ पे नहीं है भाई। मैं खुद डॉक्टर बन चुका हूं, मैं अरशद तकी साहब को पर्सनली जानता भी हूं, लेकिन उनकी उस कैबिनेट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्या फैसले आने हैं, गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड करना है अपनी कैबिनेट में, इसका हमें यहाँ बैठ के क्या पता होगा। और जो लोग तस्करे झाड़ रहे हैं उन लोगों को क्या पता होगा। थोड़ा खुदा का खौफ करो यार, सोचो, अपने आप को बेवकूफ मत बनाओ, पढ़ो जाके। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, थैंक यू सो मच। पढ़े जाके और मेरे से पढ़ाई के वाले से सवाल पूछें। अल्लाह हाफिज़।